अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफर। कराची में बेइंतहा मसाइल मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेइंतहा मौके भी हैं आगे बढ़ने के, तरक्की करने के, अपने ख्वाब पूरे करने के। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, एक समंदर है जो अपना दिल वसी करके सबको वेलकम कहता है। यहाँ रहने वाले इस शहर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि कराची तरक्की करे, बहुत तरक्की करे, कराची में अमन हमेशा रहे। इसी मजबूत सोच के साथ आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम हैं लियारी के मशहूर और तारीखी ककरी ग्राउंड में। यहाँ पर आए हैं और बहुत खुशी हुई, शाम के टाइम में यहाँ मौजूद हैं। हर तरफ खेल हो रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है यहाँ, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कुछ हमने भी यहाँ पे खेला और फिर कुछ दोस्तों को जमा किया है। और आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे आप खेल रहे थे कि लियारी के हवाले से हम जाने और पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ लोग आपको देख रहे हैं उनको हम बताएँ कि लियारी के हालात अब कैसे। कभी तो लियारी मशहूर स्पोर्ट्स में ही था, बॉक्सिंग और फुटबॉल जो है वो लियारी की आइडेंटिटी थी, तो आप क्या समझते हैं आज भी ऐसा ही है? मैं समझता हूँ कि आज भी लियारी की जो शनाख्त है वो फुटबॉल, बॉक्सिंग और साइकिलिंग है। इसको लियारी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर लियारी की कहीं पर शनाख्त है तो फुटबॉल, बॉक्सिंग और साइकिलिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जलील साहब, आप खुद एक सोशल वर्कर भी हैं यहाँ पे इस इलाके के, तो आप क्या समझते हैं कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर वो इन मजबूत सरगर्मियों में हैं, या जो बीच में हालात ख़राब हुए, जो हमने एक गैंग वॉर, खून खराबा शहर में देखा, ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो उस तरफ कुछ चले गए, तो वो भी सब वापस आ गए, वो भी इन मैदानों में आ गए? जी, मैं समझता हूँ कि वो डार्क एज ख़त्म हो गया है और नौजवान इस शहर का, लियारी का, सब जो है ना क्रिकेट, फुटबॉल और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ आ गया। अब मैं समझता हूँ कि उस तरफ उनको जाना नहीं चाहिए, अब इस तरफ वापस आना चाहिए और यही हमारा बेहतरीन रास्ता है। ठीक है, आप बताएं साकिब साहब, आप भी एक एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर। बड़ा ज़बरदस्त जो है माहौल है, गो के जिस तरह से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है और जिस तरह से यहाँ से आप लोग वोट देते रहे हैं एक हुकुमरान जमात को, तो ये तो इस ग्राउंड की हालत बहुत बेहतर होनी चाहिए थी, वो नहीं है। इस ग्राउंड की हालत इस आज से पहले बहुत ख़राब थी, अब बहुत बेहतर है क्योंकि ग्राउंड आबाद भी हो चुका है और आप देख सकते हैं सब के सब नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक सिग्निफिकेंट, चारों तरफ से ज़रा ग्राउंड दिखाना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को हम। भाई ज़रा थोड़ी सी जगह दें मुझे ज़रा। ये सामने मैं देख रहा हूँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ककरी ग्राउंड जो है मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है। ये इसका ऑफिशियल नाम है, लेकिन ये मशहूर ककरी ग्राउंड से ही है और ये वो जगह है कि जहाँ पर बड़े तारीखी जलसे हुए। ये वो जगह है जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शादी हुई। भाई सही कह रहा हूँ मैं, है इसी जगह पे। और ख़ास तौर पे इस जगह से बहुत सारे जो है वो तहरीकें जो हैं वो पैदा हुई और ये स्पोर्ट्स का भी बड़ा मरकज़ रहा। और मैं सामने देख रहा हूँ छोटे बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, उनकी तरफ भी हम जाएंगे अभी। भाई यहाँ जो नौजवान मौजूद हैं, मुझे ज़रा आप ये बताएं कि अब कोई खौफ और दहशत लियारी में है या सब ख़त्म हो गई है खौफ और दहशत लियारी में? जी बिल्कुल, अभी जो जैसे कि आप पहले देख सकते थे, पहले हम रात को 10 बजे 9 बजे घरों में चले जाते थे, लेकिन अभी हम रात को 2 बजे तक 2:30 बजे तक बाहर बैठ सकते हैं। यार क्यों बैठते हो, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो या कुछ पढ़ना लिखना भी चाहिए? क्यों? पढ़ाई लिखाई के बाद बाहर जब जैसे कि लोड शेडिंग तो होती रहती है, अगर रात को। उन्होंने बात बहुत अच्छी की कि जिस तरह से हम शाम के वक्त में यहाँ आए हैं और हम देख रहे हैं चारों तरफ स्पोर्ट्स हो रहा है, तो इसी तरह हमें कभी रात में भी आना चाहिए। और ये जो लियारी की रातें जागती हैं और हर तरफ एक चहल पहल, एक रौनक रहती है, तो वो भी जो है अपने व्यूवर्स को दिखानी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं फुटबॉल की जो है यहाँ पे ज़बरदस्त टीम बन सकती है लियारी से? जी यहाँ पे है कोई फुटबॉल आप में से खेलता है? भाई बताएं, यहाँ पे आप फुटबॉल खेलते हैं तो जैसे डॉज आप देते होंगे और जिस तरह आप खेलते होंगे, तो वो जो ब्राज़ील वाले होंगे लगता है भूल जाएंगे फुटबॉल खेलना, लेकिन फिर भी जो है कहीं नज़र नहीं आती है फुटबॉल टीम। देखिए असल में वो जो आप कह रहे हैं कि नज़र नहीं आती, वो कुछ और मामला है, लेकिन अगर आप सुबह फजर के नमाज के बाद भी आएँ इस ग्राउंड में मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क में,
यहाँ फजर के नमाज के बाद से लेकर शाम इशा के नमाज से पहले आपको ये पूरा ग्राउंड कचाकच भरा मिलता है फुटबॉलर्स से। अभी भी आपके इर्द गिर्द सारे फुटबॉलर तो चले लोग शौक में खेल रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल गेम्स की तो उसके लिए जो है वो ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसके लिए जो है वो कोचेस चाहिए होते हैं, उसके लिए प्रॉपर ग्रास के ग्राउंड चाहिए होते हैं। तो देखें ये ग्राउंड तो बहुत तरक्की याफ्ता होना चाहिए था। मुझे बहुत मायूसी भी हो रही है आज ककरी ग्राउंड में आके, मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि यहाँ पे जो है वो ग्रास नहीं है, यहाँ की दीवारें बुरा हाल है, यहाँ पे मतलब कहीं से भी कुछ तारीफ करने के काबिल लग नहीं रहा। तारीफ करने के काबिल अगर है तो वो लोग हैं जो खेलते हैं, वो आप लोग हैं, लेकिन वैसे फिजिकली मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल तारीफ़ के काबिल ये बच्चे हैं जो यहाँ पे आके खेलते हैं, हम लोग सारे लोग जहाँ पे खेलते हैं। ये ग्राउंड अब से एक 6-7 महीने पहले अच्छे कंडीशन में थी, फिर यहाँ पे जल से जुलूस करके इसका हालत ही बिगाड़ दिया गया। ये पहले बिल्कुल जुलूस जो ना करें और जल से जुलूस करें तो फिर वो उससे बेहतर हालत में छोड़ के जाए। वहाँ जो बच्चे कुछ खेल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हम वहाँ जाना चाहेंगे उनके पास और उनसे हम बात करना चाहेंगे। मोहम्मद रईसी साहब, साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर जो हमारे साथ हैं, तो आपका शौक है इस तरह कोचिंग देना बच्चों को? नहीं, बेसिकली मैं फुटबॉलर हूँ, मैं खुद भी फुटबॉलर हूँ, पर ये मेरा एक शौक भी है। फुटबॉल एक ऐसी खेल है मैं समझता हूँ जिससे तमाम बुराइयों का खात्मा मुमकिन है, और जब ग्राउंड आबाद होंगे तो यकीनन अस्पताल वीरान होंगे, और जराइम पेशों का अगर खात्मा करना है, उनकी रोकथाम करना है, तो यकीनन नई नस्ल को फुटबॉल की तरफ हमें रागिब करना होगा, और ये कल के मुस्तकबिल के मेहमान भी साबित होंगे। मेरे इस क्लब के तकरीबन 250 से ज़ायद फुटबॉलर हैं, और तकरीबन 6-7 साल से लेकर 16 साल तक हमारे जो है ना यहाँ फुटबॉलर हैं। ये मुख्तलिफ ममालिक में खेल कर भी हैं, जर्मनी में भी खेल कर आए थे, और मस्कत भी गए थे, दुबई भी गए थे, मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सारे हमारे से प्लेयर्स हैं वो खेल कर आए हैं। चाइल्ड स्ट्रीट के जो बच्चे हैं उनमें से भी तकरीबन कुछ बच्चे हमारे इसी क्लब से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने तो वर्ल्ड लेवल पर कारनामा अंजाम दिया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हुकूमती सतह पर इनकी सरपरस्ती हो, मैं समझता हूँ ये कल को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान साबित होंगे। ये किसी रोनाल्डो से या किसी पेले से कम नहीं है। पूछते हैं इन बच्चों से, बेटा आप बताओ कैसे फुटबॉल खेलते हो, बताएं ज़बरदस्त, कौन आप में सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं बताएं आज तक? हैं, वही तो बहुत छोटा है भाई, इधर आओ भाई, कितने गोल किए आज तक आपने, जरा बताओ, सामने बताओ, ठीक है, कितने गोल किए आज तक? आज मैंने 5। आज 5 गोल किए इन्होंने भाई, वाह जबरदस्त, और ये बॉल भी बड़ी जबरदस्त है जो मेरे कदमों तक पता नहीं कैसे पहुंच गई है। तो बेटा आप सब लोग पढ़ते हैं और क्या करना है, बड़ों के क्या बनना है बताएं? फुटबॉलर बनना है। और आपने? फुटबॉलर। अच्छा, फुटबॉलर के अलावा कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर भी यहाँ पर है या नहीं है? है यहाँ पे, आप क्या डॉक्टर बनेंगे? इंजीनियर। इंजीनियर भाई, इंजीनियर भी यहाँ पे मौजूद है। और बेटा ये आपको पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपने स्कूलों में जाना है, फिर आगे कॉलेज में जाना है, आगे यूनिवर्सिटी में जाना है, और जो ये आपका शौक है फुटबॉल, ये फुटबॉल लियारी का नेचुरल गेम है, बॉक्सिंग नेचुरल गेम है, तो ये ज़रूर यहाँ के बच्चों ने करना है ताकि ये हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं आगे जाकर। अच्छा जी, मैं एम्पायर बन के इनके दरमियान आ गया हूँ और आप दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है लियारी में, और यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं बॉक्सिंग के, और बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो बॉक्सिंग के ट्रेनिंग लेते हैं। तो आप समझते हैं कि बॉक्सिंग का फ्यूचर है और यहाँ से लोग निकलेंगे और आगे जाएंगे, इस तरह माजी में भी गए, लेकिन उनकी कोई ख़ास जो हिम्मत अफजाई नहीं हुई, इसीलिए थोड़े मायूस भी नज़र आते हैं शायद? नहीं, बॉक्सिंग का तो फ्यूचर है, वैसे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो लियारी के बच्चे जो बॉक्सिंग में चैंपियन है वो आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप बताओ क्या कहते हो, बॉक्सिंग का क्रेज़ है यहाँ पे वैसे? फुटबॉल का ज़्यादा है, बॉक्सिंग का ज़्यादा है, या साइकिलिंग का ज़्यादा है? फुटबॉल का ज़्यादा, और बॉक्सिंग उसका नंबर 2 है। यस सर। तो आपको भी शौक है सारे गेम्स का, फुटबॉल भी बॉक्सिंग भी? बहुत शौक है, इंशाल्लाह मौका मिले बहुत कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल जी, और यहाँ पर लियारी में क्योंकि स्पोर्ट्स यहाँ की पहचान रहा है, और बीच में पहचान बदल गई जब हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैंग्स वॉर और खून खराबा देखा, अब वापस लियारी जो है अपनी लाइफ की तरफ आ गया है, अम की तरफ आ गया है, और जहाँ तालीम बहुत ज़रूरी है इस इलाके में देना, बल्दियात का निज़ाम ठीक करना ज़रूरी है, सेहत के लिए बेहतर अस्पताल देना ज़रूरी है, वहीं जो है इनको स्पोर्ट्स की
बेहतरीन फैसिलिटी देना, कोचिंग देना और मॉनिटरिंग करना और यहाँ से क्वालिटी लोगों को निकाल के आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। इस पर अगर गवर्नमेंट फोकस करे तो यहाँ नेचुरल प्लेयर है फुटबॉल और बॉक्सिंग के, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। You change nothing, nothing will change. नाज़रीन, कराची की बात में इवेंट कवरेज के लिए आज हम आए हैं खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल। यहाँ पर हो रहा है आई एम कराची डायलॉग और उसमें बात हो रही है चेंज की, कि हम जो हैं अपनी सोसाइटी में चेंज कैसे ला सकते हैं, उसमें हर एक का क्या रोल हो सकता है। देखते हैं कि आज इस इवेंट में क्या बात होती है। तुझे नहीं पता कच्चा खाने से भतस्मी हो जाती है? किससे बात कर रहे हैं मेरे बच्चा? अपने बेस्ट फ्रेंड से। किधर है? आपके पीछे। बहुत ही ओबीडियंट बच्चे यहाँ मालूम हो रहे हैं और आज जो ये डायलॉग सेशन है इसका टॉपिक जो है वो चेंज है, और चेंज का मतलब है कि पॉजिटिव चेंज, कि आपकी जिंदगी में और आपकी सोसाइटी में तब्दीली आए। आप कभी कभी मायूस होते होंगे कि आप सोचते होंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हम जो हैं वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं कभी कभी, और सोचते हैं कि हमारे पास जो है ना ये कमी है ये प्रॉब्लम है, और उसमें जो है ये जो स्पिरिट की और मोटिवेशन की हमारे अंदर कमी आती है कि हम जो सोच रहे होते हैं वो हमें नहीं मिल रहा होता, तो उसमें जो है वो कोई मोटिवेशन चाहिए होती है। आपकी ज़िंदगी में आपको मोटिवेशन चाहिए ना। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं तो किसी मोटिवेशन से बैठे हुए हैं, आप यहाँ पढ़ने आई हैं आप सब तो किसी मोटिवेशन से आई हैं, और आपको जो है वो कोई मोटिवेशन ना दे तो दोस्तों में कहीं से ऐसे प्रोग्रामों से कहीं कोई एक जुमला आपको मिलता है जो आपके अंदर ताकत लेकर आता है, और वो ताकत होती है इसके तहत आप यहाँ बैठते हैं, और एक रीजन होता है इसकी वजह से आप बैठते हैं। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपके सामने कोई गोल है, कोई जिंदगी का गोल है कि आपने कुछ करना है, बहुत अच्छा पढ़ना है। सबका गोल है ना कि भाई बहुत अच्छा पढ़ना है हमने, और हमें हायर एजुकेशन हासिल करनी है और आगे अपने पेरेंट्स के लिए और अपनी फैमिली के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए प्राइडफुल होना है, प्राइड बनना है। तो अमर भट्टी साहब फरमाएं, एक आदमी जो है वो क्या तब्दीली ला सकता है? मेरा ताल्लुक लियारी से है और मेरे ख्याल में लियारी आज एक बैन अलाक्वामी सतह पर उसका नाम लिया जाता है जिस हवाले से भी, तो वहाँ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं 1980 की बात बताऊँगा कि वहाँ पर मतलब उस ज़माने में भी मंशियात वगैरह ये काफ़ी उरूज पर था, तो हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा एक जगह हमने किराए पर ली और वहाँ टाट बिछा कर हमने एजुकेशन सिस्टम शुरू किया। आप यकीन करें उसमें हमें पेरेंट्स ने बड़ा हेल्प किया कि भाई हमारे बच्चों के लिए कुछ किया जा रहा है, बड़े मसाइल है, तो फ़र्द वाहिद ने सोच को आगे बढ़ाया, उसमें कारवां बढ़ता गया और इस तरह हमारी टीम, हमारे दोस्त और आगे आते गए और इस तरह हमारी एक मुकम्मल टीम बन चुकी थी, और हमने फिर उस इलाके में स्कूलों पर काम शुरू किया और काम करते करते यहाँ तक पहुँचे कि आज मेरे पास रोज़ एजुकेशनल सोसाइटी में तकरीबन 36 ब्रांचें हैं जो 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक उनकी मिनिमम फ़ीस है और 17,000 बच्चे पढ़ते हैं, और पूरे कराची में वाहिद हमारा इदारा है जो 450 बच्चों को मैट्रिक करवाता है जिसमें गर्ल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये भी आपको सुनकर खुशी होगी कि सबसे ज़्यादा A1 ग्रेड गर्ल्स ही लेकर आती है हमारे इदारों में। तो उसके बाद फिर हमने दूसरे मसाइलों को भी देखना शुरू किया कि हमारे बच्चों पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, एक्टिविटीज़ की तरफ भी लेकर आए, तो हमने स्काउटिंग का शोभा शुरू किया, यूथ पॉइंट कायम किए। फिर बीच में हालात ऐसे आए कि मैं थोड़ा सा बच्चों को
लफ्जों में नहीं लाना चाहता, वैसे कुछ स्टोरीज में कुछ अच्छी बातें बताऊंगा कि कुछ 5 साल पहले कुछ गैंग्स का भी वहाँ पर इशू आए जिसमें स्कूल तमाम इलाका मुतासर हुआ। ये मैं बात आज फख्र से कहता हूँ कि उस ज़माने में भी जब गैंग्स बाहर आते थे, क्रॉस फायरिंग होती थी, तो जो मेरी टीचर्स थी, ख़ासतौर पे प्राइवेट स्कूल में लेडीज़ टीचर्स ज़्यादा पढ़ाती हैं, तो उन्होंने अज़म किया हुआ था हमने कभी स्कूल बंद नहीं किया। उस फायरिंग में भी वो लेडीज़ टीचर पढ़ाती रहीं और बच्चों को आगे बढ़ाती रहीं। बहुत सारे सवालात उठते हैं जो जो डीमोटिवेशन करते हैं कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, तो ऐसे मौके पर जब कभी कहीं अंधेरा नज़र आए, आप क्या समझते हैं कैसे रोशनी की तरफ बढ़ा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है रिजवान, आपका बहुत ज़रूरी है कि आप ख़ुद अपने आप में एतमादी पैदा करें। अब आप में से माशाल्लाह बेशुमार नौजवान यहाँ मौजूद हैं, सबके अलग अलग गोल हैं, तो एक आपका एक पर्सनल गोल होता है, एक आपका प्रोफेशनल गोल होता है, तो आप उसको लिखें, उर्दू में लिखें कि मैं ये बनना चाहती हूँ और ये मेरा गोल है, और अपने आईने के सामने वहाँ लगा दें, डेली उसको देखें, तो आपके सब कॉन्शियस दिमाग में वो बात बैठ जाएगी कि मुझे ये चीज़ करनी है। दूसरी बात ये है कि उस जगह के वो जो इन्वायरमेंट बेशक नेगेटिव है, लेकिन आप तो पॉजिटिव है ना, तो आप अपने बारे में बहुत टेक केयर करें, उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई ना कोई खेल खेलें। मुझे पता है बच्चियाँ माशाल्लाह बैडमिंटन का बड़ा उनको शौक होता है, फुटबॉल का शौक होता है, वॉलीबॉल का शौक होता है, जब आप स्पोर्ट में खेलेंगे तो आपकी एनर्जीज जो है ना निकलेंगी और आप मजीद पॉजिटिव होंगे। और दूसरी बात ये कि आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपके लोग हैं उनमें पॉजिटिवी ऐसे लोगों को तलाश करें जो पॉजिटिव हों, जिससे आपको एनर्जी मिले, जब एनर्जी मिलेगी तो आप अपने गोल की तरफ मजीद आगे बढ़ेंगे। लेकिन एनवायरनमेंट कुछ भी हो, बहुत ज़रूरी कि आपका अपना विल पावर बहुत स्ट्रांग हो और साथ में ऐसे लोगों का एक कारवां बनाएं ताकि वो आगे बढ़े टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। बिल्कुल, और उसके साथ साथ आप जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको कि कराची के लोगों की मिसाल दी थी मुख्तलिफ शोबों की, इसी तरह से पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स बने और उन्होंने बहुत मुश्किल हालात के अंदर अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, तो ऐसी बायोग्राफीज आपको पढ़नी होंगी। जैसे इस शहर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वैसे ही इस शहर के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस शहर के डायनामिक्स को देखकर आप इन्हें कैसे एडवाइस करेंगी कि कराची में रहते हुए कराची को मजबूत करने के लिए, कराची को ताकतवर और कराची को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए ये क्या कर सकती हैं? रिजवान, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कराची के हवाले से। आज तक पाकिस्तान में 4 स्टेट फ्यूनरल्स हुए हैं। स्टेट फ्यूनरल वो होता है जो हुकूमती तौर पे किसी को दिया जाता है जब उनका इंतकाल होता है। उन 4 लोगों में से कायदे आज़म जनरल ज़ियाउल्लाह जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, अब्दुस्सत्तार ईदी और डॉक्टर रूथ फॉ, 4 लोग जिनको आज तक पाकिस्तान ने 70 साल में स्टेट फ्यूनरल दिया, 2 उसमें से कराची आइट्स, अब्दुस्सत्तार ईदी और डॉक्टर रूथ फॉ, दोनों ने कराची में काम शुरू किया। मगर वो तो एज अ प्रेसिडेंट और बहुत कम वक्त उन्होंने, मगर मैं इन बच्चों को ये बता रही हूँ जो हम बात कर रहे थे कि मुश्किलें और चैलेंजेस जो हैं, दोनों अब्दुस्सत्तार ईदी साहब ने लिटरली अपनी मुहिम का या अपना जो उनका मिशन था लाइफ में, उन्होंने अकेले उन्होंने शुरू किया। वो फुटपाथ पे खड़े होके उन्होंने शू में जब उन्होंने काम करना शुरू किया, वो फुटपाथ पे खड़े होके चंदा मांगते थे लोगों से, अपने हाथों से उन लोगों को जो जो बेचारे लावारिस जिनका इंतकाल हो जाता था उनकी तदफीन अपने हाथों से करते थे। आज पाकिस्तान का बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिक चैरिटी जो है अब्दुस्सत्तार ईदी और उनकी पार्टनर बिल्कीज़ ईदी, जिनके बारे में उन्होंने कई दफ़ा कहा कि उनके सपोर्ट के बगैर वो कर नहीं सकते थे। इसी तरह डॉक्टर रूथ फॉ, एक मिशनरी, एक नन जो यहाँ आई, वो जाना उनको हिंदुस्तान था, खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की, कि उनको वीज़ा नहीं मिला। वो एक दिन गई लेप्रेसी जो कोढ़ की बीमारी है उसके कैंप में, ये आज से कोई हम 40 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब कोढ़ के मरीजों को कुएं में फेंक दिया जाता था या गारों में रखा जाता था क्योंकि लोग इतना डरते थे उस बीमारी से, वो लगने वाली बीमारी थी। सिंगल हैंडेडली डॉक्टर रूथ फॉ ने पाकिस्तान में लेप्रेसी का खात्मा तो नहीं कह सकते बिकॉज इट्स, मगर उन्होंने उसको बढ़ने से,
आप सोचिए कि आज हम 200 हम आज 200 मिलियन की आबादी हो गए, एक औरत ने ये मुहिम उठाई, एक ये जिहाद किया और इस तरह उन्होंने वो किया। कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या? फेलियर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट से तो आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्रोविंसेस ने दे दिया, अब जब इनके पास आई तो ये उस पर चौधराहट करके सब बैठ गए। कराची की बात करने हम आए हैं इस वक्त फाउंडर CPLC फाउंडिंग प्रेसिडेंट IIM कराची जनाब जमील यूसुफ साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जमील यूसुफ साहब, सबसे पहले तो जिस बिल्डिंग में हम आए हैं सेंटर पॉइंट, तो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग और इतना ज़बरदस्त व्यू हम अपने पीछे देख रहे हैं कराची का, तो किसी ने अगर कराची देखना है और कराची की ये बिल्डिंग टेक्नोलॉजी देखनी है तो उसका मतलब वो इस बिल्डिंग में आके देखें। जी हाँ बिल्कुल, जिसको कराची से मोहब्बत होगा वही इसी तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है। कराची का सवाल लेकर हम हाजिर हुए हैं जमील यूसुफ साहब के पास कि कराची में जैसे आप हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं, NGOs हैं जिन्होंने किसी न किसी तौर पर अपना पार्टिसिपेशन दिया, उसमें आपका नो डाउट एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। कोशिश की कि कराची जो अपने पैरों पर खड़ा हो, अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं देख रही तो इदारे बन गए जो स्कूल देखने लगे, गवर्नमेंट अगर अस्पताल नहीं देख रही तो इदारे बन गए अस्पताल देखने लग गए, गवर्नमेंट अगर इंसाफ नहीं दे रही तो इदारे बन गए भाई चलो कुछ आपकी मदद कर दें लीगल एड के अंदर, तो ये एक अच्छी कोशिश है लेकिन काम तो असल में गवर्नमेंट के ही थे सारे। जी हाँ बिल्कुल, वो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और यही है। बट आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट फेल हुई है और गवर्नमेंट ने नहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया वेल्थ, तो आज शहरियों ने ही बचा के रखा हुआ है। आप देख लें कराची का सर्वाइवल सारे थिक एंड थिन से हैज़ बीन बिकॉज यहाँ के लोग अच्छे हैं, इनकी फिलेंथ्रोफी बेतहाशा है। हर सेक्टर में आप देख लें, चाहे मेडिकल केयर है, चाहे स्कूलिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर है, इतना पार्टिसिपेशन है और बेहतरीन उस सब चीज़ को ऐड करके कि सबसे लार्जेस्ट टैक्स पेयर भी है ये। तो ऐसा नहीं है कि कराची लोग की डिमांड है, वो देते भी हाईएस्ट टैक्सेस है जिसकी रेवेन्यू का शेयर दूसरे प्रोविंसेस फ़ायदा उठाते। देखिए सर, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की लेकिन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ जो होते हैं उनकी अपनी एक मैनेजमेंट होती है, एक निज़ाम होता है, उसके मेयर की बड़ी अहमियत होती है, उसकी पुलिसिंग है, उसका ट्रैफिक का सिस्टम है, उसके बल्दियात का निज़ाम है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी लेजिस्लेशंस हैं। कॉस्मोपॉलिटन के डायनेमिक्स डिफरेंट होते हैं, उसको डायनेमिक्स फोकस किया जाता है, इस तरह कराची को फोकस नहीं किया गया। देखिए बड़ी अच्छी बात आपने की, हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट से तो आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्रोविंसेस ने दे दिया, अब जब इनके पास आई तो ये उस पर चौधराहट करके सब बैठ गए। आपके नज़दीक कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या? फेलियर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। आपने जो थोड़ा बहुत लोकल गवर्नमेंट बस था अपने पावर्स वो भी छीन लिए। पूरे दुनिया में सारे डेवलप्ड मुल्क में लोकल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है, लोकल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं, लोग के लिए आसानी होती है पहुंचना, लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव पास पहुंचना तो आसान है ना। बिल्कुल, आप भी देख लीजिए, आपको खुद भी अप्रोच बिल्कुल गली बुनियाद पर होता है, उस UC लेवल पे होता है, आप पहुंच सकते हैं कि भाई बोल सकते हैं मेरी गली में ये मसला है, पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, सब चीज़ में आप उनसे कोऑपरेशन भी ले सकते हैं। और आपने वोट दिए होते हैं, अवामी नुमाइंदा होता है तो उसको उसका फर्ज बनता है कि वोट की वजह से वो काम भी करे और आप उसको गर्दन पकड़ सकते हैं, आप उसको कि भाई आप ये काम कराइए। और जैसे बात करते हैं टेररिज्म की, मुझे बड़ी हंसी आती है, हर वक्त हम कहते हैं टेररिज्म फाइट कर रहे हैं, जब आप शहर में गंदगी नहीं साफ कर सकते तो आप टेररिज्म भी नहीं फाइट कर सकते। वाओ, ये तो बड़ा जबरदस्त, इतना जबरदस्त लिंकेज है। आप मुझे बताइए बीमारी किधर आती है? जहाँ गंदगी है, जर्म से। इसी तरह से ह्यूमन नेचर भी वही है। आप सवा आप जैसे आपने मेरी बिल्डिंग की तारीफ की, आप देखिए एक वेस्ट पेपर बास्केट नहीं है नीचे से लेके 28 मंजिल तक, एक कचरे का डब्बा नहीं है, बट आप एक कागज का टुकड़ा आपको नजर आया जमीन पर? ये होता है।
लोगों में जहाँ गंदगी नहीं होगी कोई फेंकेगा भी नहीं। अब आप मुतमईन है कराची के अम के हवाले से कि जो कराची ऑपरेशन हुआ है या जिस तरह से टारगेटेड ऑपरेशन हुए हैं कराची में, कराची अब उस फेज से निकल गया है और अब मुकम्मल पीस की तरफ जा रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल मुकम्मल नहीं हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको पता है ये पांचवा ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन नहीं हुआ है। ऑपरेशन बेहतरीन सक्सेसफुल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था 2013 में और अब आप देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया, भत्ता ख़त्म हो गया आपका, किडनैपिंग फॉर रैंसम बहुत नीचे आ गई है, बड़े स्ट्रे इंसिडेंट्स हो गए हैं, टेररिज्म के केसेस बहुत कम हो गए हैं, पुलिस फोर्स ने भी बड़ा कमेंडेबल काम किया है कि ये विदाउट रिसोर्सेज ये कैसे आइडेंटिफाई करके वो ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, प्री एम कर जाते हैं बिफोर एन अटैक टेक्स प्लेस। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल क्यों हुआ? आपने लॉज चेंज किए। ओके, क्या लॉ चेंज किया आपने? डिटेंशन का लॉ, पहले 24 घंटे में कोर्ट में लाना होता है, अभी आपने 3 महीने 6 महीने कर दिए। ये कोई ह्यूमन राइट के वायलेशन के लॉ नहीं थे, ये लॉज वो हैं जो ब्रिटेन और अमेरिका में है, जो चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट के। ओके, वहाँ पर भी यही है। ओके, तो जब एक क्रिमिनल पकड़ा जाता है उसको पता है मैं 3 महीने 6 महीने तक रह सकता हूँ इनके पास मेहमान, तो वो दूसरे दिन बोलना शुरू कर देता है, वो ब्रेक थ्रू। बट ये 3 महीना 6 महीने का डिटेंशन को आप फायदे पहुँचाएं, इंफॉर्मेशन गैदर करें और क्रेडिबल उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करें और उसका आप एविडेंसेस क्रिएट करके कन्विक्शन इंक्रीज करें। हम यंग को नहीं रिक्रूट कर पा रहे हैं, हम क्वालिटी रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम लड़कियों को नहीं ले पा रहे हैं। आप हर एग्जामिनेशन में देखें गर्ल्स टॉप कर रहे हैं, उनका एजुकेशन लेवल इतना हाई स्टैंडर्ड होते जा रहा है कि लड़के नीचे गिरे जा रहे हैं। ठीक है, आप बांग्लादेश जैसा अगर वो 35% लड़कियों को भर्ती कर सकता है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में, तो आप कम से कम 20-25% तो करें, आपका 1-1.5% है। आप बताइए अगर लोकल थाने में वहीं की लड़कियां अगर काम कर रही हों, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही हों, FIR काट रही हों, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हों, एरिया में अपनी इन्वेस्टिगेशन करती हों, तो कितना क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और जो एक रिश्ता है जो टूट गया है थाने के साथ वो, और लोगों को डर और खौफ होता है, इवन लोग रिपोर्टिंग नहीं करते, लोग स्ट्रीट क्राइम का शिकार होते हैं कराची में, डकैत करप्शन खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। बच्चियां उस मोहल्ले में रहती हैं, क्या करप्शन करेंगी, उनको सिक्योर जॉब है, सिक्योर चीज है, और लोकल पुलिसिंग इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो सर आपने इतने जबरदस्त मशवरे दिए हैं, ये इस पे कौन अमल कौन करे, कैसे ये सारे? आपको हैरत होगी, ये तो 2013 का ऑपरेशन का मुझे फख्र है कि मैं उसका काफ़ी 90% का ब्रेन चाइल्ड हूँ। ये पहली दफ़ा मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी चैनल को डिस्क्लोज नहीं किया ये। ओके, कि ये सारी पॉलिसी तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारे मैंने बना के दी है, जो मैं आपको किताब भी दे दूँ। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि उसमें से हार्डली बातें तो पूरी हुई उसकी 100%, बट जो रियलिटी में हुआ है, जो ग्राउंड लेवल आया, जिसने प्रूफ किया, देखिए लॉ एंड ऑर्डर, देखिए ना, सब कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, हमने ये सक्सेस किया, हमने वो सक्सेस किया। रेंजर्स को लीड रोल किसने दिलाया? मेरे प्रपोजल में। क्यों? कि वो ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उनका चेन ऑफ कमांड डिफरेंट है। ये जो बात की जा रही है अभी के ये जो पढ़े लिखे बच्चे जो हैं टेररिज्म की तरफ आ रहे हैं, कराची में मिसालें हैं, सफूरा गोट में वाकई वो IBA से बच्चा पढ़ा हुआ था, अभी अप्लाइड फिजिक्स कराची डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में, इस तरह पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा, तो ये गो के 25,000 स्टूडेंट्स में कोई 1-2 आए हैं? 25,000 में भी नहीं है, लाखों में। उसके लिए आप सबको तकलीफ देंगे। हाँ, तो आप इसके, आप क्या समझते हैं हल इसका क्या है? इसका हल तो काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, आपको इनके इंटेलिजेंस नेटवर्क को वाइंड करना है। आप मुझे बताइए एक कंप्यूटर का नाम, एक वेबसाइट बताइए जहां आपके पास क्रिमिनल डेटा एक जगह हो, कोई शेयरिंग नहीं। मुझे बड़ी हंसी आती है, हम मोबाइलें लेके समझते हैं स्ट्रीट पर क्राइम कॉम्बैट कर सकते हैं, नहीं, अब कॉम्बैट क्राइम होता है कंप्यूटर पर बैठे हुए। आपको कराची का मुस्तकबिल जो है उसके हवाले से क्या खदशात हैं या क्या उम्मीदें हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें पीस के शोबे, पीस के हवाले से? नहीं, अगर हम हमारा सारे एक्ट्स हम नहीं करेंगे तो फिर तो यही लंगड़ा हिसाब किताब चलता रहेगा। देखिए ना, सिर्फ मेरा कह देने का यार बेहतरीन फ्यूचर है, अगर कोई मुझे पूछे भाई क्यों बेहतरीन है, पिछले में से अभी क्या हो गया, क्या नई चीज़ दे दी है गवर्नमेंट ने, ओके यार क्या नई चीज़ हमने कर ली है,
तो हम कुछ कोर्ट नहीं कर सकते। हमने कोई क्रिमिनल लॉज नहीं चेंज किए, हमने एविडेंस एक्ट्स नहीं चेंज किए, देखिए ना। और हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज एंड जुडिशरी, इन सबको एक टेबल पर बैठना पड़ेगा, इनको डिस्कस करना पड़ेगा क्या ड्रॉबैक्स हैं। कॉमन गोल होना चाहिए टू कम्बैट टेररिज्म, टू टेक आउट इवन फ्रॉम सोसाइटी। आई एम कराची को आप किस जगह देखते हैं, कराची के रोल के लिए, कराची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए? देखो ना, आई एम कराची का इनिशियल रोल ये था कि कम्युनिटी को सबको इन्वॉल्व करिए, उनका खुद का टेक ऑफ होना चाहिए, उस एरियाज में कम्युनिटी को खुद टेक ऑफ करना चाहिए। कराची, आई एम कराची का तो रोल ये कि हर वक्त वो बेबी बन के तो नहीं करते रहेगी, वो एक मैकर बॉडी बन सकती है और इनक्रेज करे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स। क्या किया उन्होंने, मेरा जो ख्याल था कि जी लियारी में जो बॉक्सिंग मैचेस हुए, फलाना हुआ, लियारी के बच्चों को आर्ट एंड कल्चर में लाया गया, ऐसे कॉम्पिटिशन हुए। वो आबादी जिसको आप हर वक्त टेररिस्ट समझते थे, उसकी अच्छाइयाँ इतनी निकाल के दी है कि लोग हैरत करते हैं कि यार सम बेस्ट सिंगर्स वहाँ से निकले, बेस्ट डांसर्स वहाँ से निकले, बेस्ट राइटर्स वहाँ से निकले। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ा कुछ सीखने को मिला और बड़ा मज़ा आया आपके साथ आज बैठकर। नाज़रीन, कराची में मेहनत करने वालों के लिए बहुत से रोज़गार मौजूद हैं। हम ये दुआ करते हैं कि कराची में अमन बरकरार रहे और लोग इसी तरह अपना रोज़गार हासिल करते रहें। हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आप अपना किरदार बताएं, आप शहरों कैसे ऑन कर सकते हैं? सिग्नल नहीं तोड़ना, हेलमेट पहनना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, तो इस तरह हम कराची को ना आगे बढ़ा सकते हैं और इसकी सफाई वगैरह हर कानून को देख सकते हैं। चंद हेरिटेज बिल्डिंग्स में से एक है जो बहुत पुरानी, जिसको महात्मा गांधी ने 1934 में, ये वाहिद कमर्शियल बिल्डिंग है जिसको महात्मा गांधी ने खुद फाउंडेशन रखा था इसका।